आज मैंने एक इंटरव्यू देखा फेसबुक पे कि एक लड़की है जो कि गाना गा रही है, बहुत अच्छा गा रही थी वो लड़की, और वो कह रही है हमको रिजेक्ट कर दिया गया। और उसमें वो भी बोल रही है कि एक लड़की का गला लगा और मैंने देखा वहां पे, सभी लोग देखे, उसका सिलेक्शन हो गया। क्यों? वो कितनी खराब गा रही है क्या लड़की? वो सेलेक्ट करने लायक नहीं थी। हाँ, नहीं होगी, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं की होगी, वो तैयार नहीं होगी। मेन रीजन तो यहाँ होता है। आज हमको भी हो गया, 7-8 साल काम करते हो गया इस लाइन में, बिना कॉम्प्रोमाइज के कुछ चलता नहीं है इधर। कॉम्प्रोमाइज करो, सब है, रातों रात स्टार बनो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी कुछ नहीं है। वो लड़की कॉम्प्रोमाइज की होगी, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होगी, इसलिए वो सिलेक्ट हो गई। यहाँ लोग फायदा देखते हैं, भगवान से यहाँ पे डर नहीं है किसी को कि मैं सरस्वती का अपमान कर रहा हूँ, या कोई लड़कियां भी हैं कि अपमान कर रही है, नहीं, ये सोच नहीं है कि मैं भगवान का अपमान कर रहा हूँ। सीधा जो भी है आगे ही बढ़ना है। और मैं ये भी कह दे रही हूँ, अगर कुछ गलत लगेगा तो आप सब बेशक मुझे बहुत गालियां दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ लड़कियां भी इतनी माधरचोद हैं कि आगे बढ़ने के लिए ना जिस्म क्या, हर चीज का व्यापार करने के लिए तैयार हैं। और कुछ लड़के भी माधरचोद हैं, लड़के तो कह रहे हैं ही, अगर वो अच्छे होते तो जाए, किसका किसका तो सपना होता है किसी का, कौन लड़की कितना सोच के आती है कि चलो मतलब हम आगे बढ़ेंगे, हम गाएंगे, अच्छा गा रही है लड़की, उस पर मेहनत नहीं किया जाता है। अगर वो कितना ही बेसुरा कोई लड़की गा रही है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गई, तो उसके लिए हर चीज है। और तुम कितना भी अच्छा गाओ, कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो नहीं है, नहीं गा सकती। हम सब किसके बारे में नहीं जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं। खैर छोड़िए, मगर ये ऑडिशन देख के मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत।